आईपीएल एक ऐसा मैच जहां दौलत, शोहरत और मनोरंजन के साथ सब कुछ मौजूद है। खेल का एक ऐसा अड्डा जो दर्शकों को आनंद से उछलने का अवसर देने के साथ युवा खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने के लिए भी मौका मुहैया कराता है। क्रिकेट के फटाफट प्रारूप पर आधारित इंडियन प्रीमियर लीग का 11वां सत्र 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। करीब 2 महीने तक दे दनादन क्रिकेट उत्सव का खुमार खेल प्रेमियों के बीच देखने को मिलेगा। लोगों में मैच देखने की ललक ही लीग की अहमियत का पुख्ता सबूत है। खेल प्रेमियों में ये चाह आईपीएल के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य लोगों के बीच भी देखने को मिल जाती है। ऐसे टूर्नामेंट्स मनोरंजन का जरिया होने के साथ साथ कमाई के भी बड़े साधन के रूप में उभरे हैं। खिलाड़ियों पर पैसों की वर्षा कैसे होती है ये आईपीएल की नीलामी में ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा टीम मालिकों से सजी टीमें स्टेडियम तक दर्शकों को भी खींचने में सफल रही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी। इस रोचक टूर्नामेंट में 8 टीमें खेलती हैं और दुनिया के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल क्रिकेट आयोजन के रूप में इसे माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल के दर्शकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। 2017 में दर्शकों की संख्या में 22% की बढ़ोतरी हुई। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के मुताबिक आईपीएल के 10वें सीजन में दर्शकों की संख्या 1.25 अरब थी जबकि 9वें सीजन में 1.2 अरब थी। इसके अलावा साल 2017 में इसकी कमाई का लक्ष्य 1300 करोड़ रुपए रखा गया था लेकिन 1430 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन से ही मिले जो साल 2016 की कमाई से 230 करोड़ रुपए ज्यादा रहे। स्टार स्पोर्ट्स और वीवो के साथ ऐतिहासिक समझौता करके क्रिकेट की दुनिया में ये बड़ी लीग बनकर उभरी है। आईपीएल की नीलामी के दौरान दुनिया भर के क्रिकेटर्स की बोली 20 लाख से लेकर 14 से 15 करोड़ रुपए तक लगाई जाती है। आईपीएल की तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट द्वारा 2011 में शुरू की गई बिग बैश लीग भी काफी चर्चित T20 टूर्नामेंट है। इसमें कुल 8 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिसमें भारत समेत दुनिया भर के क्रिकेटर्स हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के क्रिकेट द्वारा छोटे प्रारूप में पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत 2016 में की गई। इस लीग में 6 टीमें खेलती हैं। हालांकि कमाई की बात करें तो आईपीएल के सामने बिग बैश और पीएसएल कहीं नहीं टिकते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।